राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा में पिछले 3 दिन से एक मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है। मामला है कि हत्या का मामला है। मोहन सिंधी की रात को इंस्पेक्टर है जो कि सीएमओ की सेवा में तैनात है, उसके घर पर उसी के सामने उसी के बेटे ने बेड से 4 बार ताबड़तोड़ वार करके और उसकी हत्या कर दी। हत्या घटनास्थल यही है। यहाँ पर जब रात को मोहन सिंधी यहाँ से गुजर रहा था तो इसी मकान से इंस्पेक्टर के बेटे ने निकलकर बेड से ताबड़तोड़ 4 वार कर यहाँ पर उसी को मार दिया गया। इंस्पेक्टर ने वो घटना अपनी आंखों से देख रहे, लेकिन आगे ना आकर उस बेटे को ना रोक कर बल्कि उस घटना को देखते रहे। मामला है कि जो इंस्पेक्टर है सीएमओ की सेवा में तैनात है और 4 दिन पहले दो से तीन दिन पहले ही वैशाली नगर में उसी के द्वारा किया गया एक और घटना था जो कि एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। अभी भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस जो रेस्टोरेंट में जो तोड़फोड़ की थी उसकी FIR दर्ज नहीं की, लेकिन जो इंस्पेक्टर था उसको सस्पेंड कर दिया गया और जो वो क्षितिज शर्मा था जो कि आरोपी था जिसने मोहन पे ताबड़तोड़ वार किए थे उसको पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आज हम घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर जो मोहन सिंधी था उसकी तिया की बैठक का आयोजन किया गया है जहाँ पे राजनीतिक दल के नेता भी आ रहे हैं और जो सर्व समाज के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, वहाँ भी घटनास्थल पर पहुँचकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आर्थिक सहयोग की अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोहन है उसको आर्थिक सहयोग दिया जाए। बता दें कि मोहन के परिवार में उसकी 4 बहनें हैं जिनकी 3 की शादी हो चुकी और 1 अभी तक शादी नहीं हुई। मोहन की बहन ने पुलिस वाले को बताया तो बहन बता रही थी कि मोहन मेरी शादी करके ही अपना घर बसाता था। यही वो घटनास्थल है जहाँ पर मोहन पर वार किए गए थे और जो ये आप जो निशान देख रहे हो यही वो निशान है जहाँ पर मोहन का सिर था और जो कल की टीम ने यहाँ से साक्ष्य भी जुटाए हैं, लेकिन जांच लगातार चल रही है। अब वो जांच के साक्ष्य जब आएगी, रिपोर्ट आएगी, उसी में पता लगाया जाएगा। मकान पर CCTV कैमरे भी लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही घटना होती है तो उसके कुछ समय बाद ही CCTV कैमरों को यहाँ से तोड़ दिया जाता है। जो मुख्य कैमरे थे उनको यहाँ से तोड़ दिया जाता है। मकान पर भी हाल में ताला लगा हुआ है और पूरा परिवार यहाँ से गायब है। लगातार परिवार का भी खोज की जा रही है कि परिवार आखिर गया कहाँ है। जो गाड़ी थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। आगे इस मामले में क्या तूल पकड़ता है ये हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप इस बात को समझिए, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा सिंधी समाज के वोट से MLA बने हैं। सांगानेर में सबसे ज्यादा सिंधी समाज के वोट हैं। ये पुरुषार्थी समाज है। एक सिंधी मोहनलाल सिंधी लिखता था जो ठेला चलाकर अपना पेट भरता था। यहाँ 30 ठेला यूनियन वाले भी आए हुए हैं। इशू ये नहीं है कांग्रेस BJP, लेकिन इशू है भी। कांग्रेस अपोजिशन में है, प्रताप सिंह बैठा है जयपुर में। अभी इनके समाज वाले अपना फैसला ले, आज मैंने नारी का नाका यूनियन वाले हमारे आए थे, उनसे मेरी बात, उन्होंने 1 लाख रुपये दिए हैं और ज़रूरत होगी पैसा हो रहा है। 10 लाख रुपए तो हमारी सरकार का नियम है पहले से, कांग्रेस सरकार का, कि दुर्घटना में हम 10 लाख रुपए देते हैं। हमने कानून बना रखा है, उसमें BJP सरकार को कुछ नहीं करना, वो तो हम वैसे ही दिलवा देंगे। एक्ट में है वो तो हमने कानून बना दिया, तो ये क्या करेंगे। इसको 1 करोड़ रुपए की सहायता दे, बच्चियों को नौकरी दे। भजन लाल जी खुद आए, आकर मिले इनसे, उनके सुरक्षा अधिकारी ने मारा है। यदि मैं मुख्यमंत्री जी से नहीं कहता, यदि उनका सुरक्षा अधिकारी नहीं होता, तो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो इंस्पेक्टर लगा हुआ उसी ने उसके बच्चे नहीं तो मारा है, तो क्या मुख्यमंत्री सांगानेर से विधायक है? मेहंदी लागड़ी की पगाम है, आ जाट है। ये जो घटना हुई है, मैं कहता हूं जयपुर के इतिहास में इससे विभत्स घटना नहीं हो सकती। आप किसी भोले भाले इंसान को जो ठेला चलाकर अपने परिवार की आजीविका चलाता है उसको बिना किसी कारण के आप 4 हिट करके और उसको जमीन पे जो है गिरा देते हो और उसकी लाश को ले जाकर जो है 13 घंटे तक उसको छुपाने का प्रयास करते हो, साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करते हो और परिवार को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो कि साहब तुम्हारे बच्चे के साथ ये अनहोनी कारित हो गई है, तो इसका मतलब इससे बड़ी कोई जो है ना, मैं कहता हूँ निकम्मापन नहीं हो सकता किसी भी के लिए। अगर के कोई भी घटना हुई है उसका तरीका ये होता है, बेटा अगर के गलती करता है तो बाप का फर्ज होता है बेटे को नसीहत देना कि यार ये तूने गलत किया है, और बेटे ने तो गलती की, बाप उसकी गलती को जो है आगे बढ़ा रहा है कि बेटा कोई बात नहीं, तूने गलती कर ली, एक मौत तूने एक परिवार को मारा है, अब आगे के लिए मैं तेरे को शाबाशी देता हूँ, तेरे को मैंने लाइसेंस दे देता हूँ। मैं कहता हूँ इससे बड़ी दुखद जो है घटना जयपुर की भूमि पर तो नहीं हो सकती। मोहन जो सिंधी है उसके लिए क्या मांग है? मोहनलाल सिंधी हमारे सर्व समाज का
एक ऐसा बच्चा था जिसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके परिवार में चार बहनें, उन चार बहनों की जिम्मेदारी, पिता है नहीं, माता गरीब है, किराए के मकान में रहते हैं, ठेला चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 करोड़ रुपए की राहत आर्थिक सहयोग जो है इस परिवार को मिले और परिवार की 2 बिटियाओं को सरकारी नौकरी के रूप में मिले ताकि इस परिवार को संबल मिल सके। और सबसे बड़ी जो हमारी मांग है कि इस घटना के जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए पहले, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ये आंदोलन चलता रहेगा। बात पैसे की नहीं है, बात मुआवजे की नहीं है, बात इस बात की है कि जिस व्यक्ति ने यह घटना की और जिस व्यक्ति ने इस घटना को संरक्षण दिया है सबसे पहले वो कटघरे में आना चाहिए। कि मेरे आज सुबह कोई एक मेडिकल का काम करते हैं और उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा यार मैंने उसकी काउंसलिंग के लिए कोई मैटर पे बुलवाया था उस लड़के को, तो उसको पूरी शय एक तो उसके परिवार की है, वो सुधर सकता है, ऐसा नहीं वो नहीं सुधर सकता, उसमें पूरी शय परिवार का पूरा हाथ है यह मान लो। और क्योंकि उसने जो मेरे को कई बातें बोली ना जिस तरह की कि मतलब उसने कहा मैं 20 मिनट की काउंसलिंग 15 मिनट पे घटेल कर दी, मेरे को लगा ये तो वैसा मेरा ही कर देगा कार्यक्रम अभी बजा देगा। तो वो आदमी जब ये इतनी बड़ी वारदात होने के बाद सड़क पे आ जाएगा और बाहर आ जाएगा तो उसका जोश हवा में हो जाएगा। अपन कहते नहीं है कि सेंट्रल जेल में जो है वो तो दादा बन जाता है, वो तो उसकी लग निकलवाया, वो तो सेंट्रल जेल में जाया, अब मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो भाई साहब रनेश अपने मैं ये जो चला गया ना इसकी चिंता तो है ही, मेरी चिंता दूसरी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वापस आ गया ना तो जी का कलेश है बहुत भयंकर, ये मान लेना। देखिए जो हत्या 3 दिन पहले यहाँ पर हुई है पूरा राजस्थान ने, पूरे हिंदुस्तान ने इसको देखा है। अब जो आक्रोश कल से यहाँ पर चल रहा है, कल भी यहाँ मंदिर में मीटिंग थी, आज भी जो शोक सभा थी वो आक्रोश सभा में परिवर्तित हो गई। उसका कारण यह है कि सिर्फ जिस व्यक्ति ने हत्या करी है पुलिस ने सिर्फ उसको गिरफ्तार किया है, जबकि उस वीडियो में साफ पता चल रहा है जो व्यक्ति कानून नहीं समझता वो भी ये बात महसूस कर पा रहा है कॉमन सेंस से कि उसके पिता की मौजूदगी में हत्या हुई। दूसरी बात, उसको उसके बाद में सारे परिवार ने मिलकर गाड़ी में डाला और उसको अनाथ की स्थिति में SMS हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए। जो हत्या में जो बैट शामिल था उसको हटा दिया, गायब कर दिया। उनके खुद के घर पर के बाहर जो CCTV कैमरे थे उसकी सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। जिस जगह हत्या हुई वहां पर पानी डालकर धो दिया और पुलिस से और किसी से भी इस व्यक्ति के परिवार से भी उन्होंने बात छुपा के रखी कि हमने हत्या कर दी है और हमने उसको SMS में उसको भर्ती कराया। यानी हत्या का मुकदमा तो एक व्यक्ति पर है लेकिन हत्या का षड्यंत्र करने का और सबूतों के साथ टेम्पर छेड़छाड़ करने का, सबूत मिटाने का और षड्यंत्र में शामिल होने का, यह मामला उसके पिता पर भी बनता है, बाकी परिवार पर भी बनता है। लेकिन पुलिस का जो एटीट्यूड दिख रहा है, कल की भी जो सभा में यहाँ के SHO और ACP आए थे, उनका जो एटीट्यूड दिख रहा है वो चाह रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट के जो CI हैं, जो मुख्य अभियुक्त के पिता हैं, वो उनको क्लीन चिट देने की उनकी मंशा है। तो हम इस लड़ाई को यहीं नहीं छोड़ेंगे, इस लड़ाई को दूर तक लेके जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि इस बात को इतना आगे तक फैलाइए कि सरकार को इस पर विचार करना पड़े कि क्या राजस्थान पुलिस के एक CI की जांच क्या राजस्थान पुलिस का ही दूसरा CI करे, या फिर इसकी जांच दूसरी एजेंसी को यानी CBI को देनी चाहिए, और अगर वो भी संभव नहीं हो तो कम से कम राजस्थान पुलिस की CBCID तो इसकी जांच करे, कमिश्नरेट के बाहर इसकी जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। पूरी कॉलोनी साथ है और यह अभी राहुल जी कह रहे हैं 12 दिन बाद भूल जाएंगे, हम भूलने वाले नहीं है। जब तक सजा नहीं मिलेगी चारों को, जब तक हम पिंड नहीं छोड़ेंगे। और भाई साहब ने कहा था नरेश जी ने जांच CBI से ही कराएंगे और CM को बुलाने के लिए CM को यहाँ आना पड़ेगा। हम CM को ज्ञापन नहीं देने जा रहे, CM को नहीं आओ, परिवार से मिलो, उसको सहायता दो और परिवार के एक आदमी को नौकरी दो, डेरी दो। मैंने कहा 50-50 लाख दे दिया 4 घंटे में, ऐसे थोड़ी चलेगा। सरकार से बदल गई लेकिन पूरा न्याय मिलेगा। परिवार की आर्थिक सहायता की मदद के लिए तो 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी है और डेयरी बूथ और सरकारी नौकरी के लिए का कल वो ज्ञापन भी हम देख के आए थे यहाँ पे थाने पे DCP को, ACP को दिया, उनके नाम से दिया था उन्होंने तो, लेकिन उसमें अपने पल्ले झाड़ लिए, वो ज्ञापन ले लिया। उसके अलावा वो क्या कार्रवाई करेंगे तो भगवान को ही मालिक है। लेकिन अब बात यह है कि उन्होंने अपना वकील जो उन्होंने किया है, जो हत्यारे परिवार ने जो किया है अपना वकील, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आप ऐसे मानो कि ज्ञान कानून के ज्ञान का अच्छे ज्ञाता है वो। अब बात आती है कि इस परिवार की ये वकील कैसे करेंगे खड़ा। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि उन 3 को अंदर डालो, मैं कह रहा हूँ वो एक भी बाहर निकल के आ जाएगा फिर क्या होगा कॉलोनी का। अभी एक जगदम्बा नगर में एक केस हुआ जिसके लिए रजनी विहार लगी हुई है,
अब वो रजनी विहार कॉलोनी का आदमी जब वापस रजनी विहार कॉलोनी में लौट के आएगा जेल से और ये मान के अपनी मूंछ पे मरोड़ देगा कि मेरा क्या बिगाड़ लिया आपने, तो वो तो चलता फिरता बम है साहब, वो तो बम है। आप ऐसे मानो जो आप हत्या ऐसे बैठ से हाथ में लेके और किसी के चार मार दे और उसके परिवार वाले एक ऐसे मुस्कुरा के देख रहे हैं और फिर थोड़ी देर में उठा के ले जा रहे हैं। यार नॉनसेंस मचा रखी है। हाँ, और ये कोई नहीं रोकने की तो बात, अगर शुरू में करते संस्कार ऐसे मिलते तो रुकता ना भैया, वो कैसे रुकेगा, वो आगे रुकना ही नहीं था उसको, तो उसको संरक्षण मिलता रहा और संरक्षण मिला तो उसकी जो आपराधिक प्रवृत्ति थी वो बढ़ती गई। अब उसके लिए तो हत्या ही अगर छोटा एक काम हो गया तो इसके ऊपर वैसे कुछ बचता नहीं है, हत्या से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता इस देश में। तो अब हम तो ये चाहते हैं कानून से इतनी हम ये उम्मीद लगाते हैं कि इतनी निष्पक्ष और कड़ी जांच हो कि बाकी लोग जो उसमें शामिल हैं अनुसंधान कर रहे हैं। कल साहब आके बोल गए अनुसंधान कर रहे हैं, कैमरे में दिख रही है फोटो, उसमें अनुसंधान क्या करना बाकी रह गया आपका, क्या अनुसंधान करोगे उसमें, आप बताओ क्या अनुसंधान करोगे। हाँ कैमरे में देख के आपने उस हत्यारे को तो मतलब अरेस्ट कर लिया और वही कैमरे में उन तीनों की भी फुटेज आ रही है, उनको आपने अरेस्ट नहीं किया, ये क्या बात हुई भाई। एक ही कैमरे में देख के आपने हत्यारे को तो किया है लेकिन उन तीनों को छोड़ दिया, क्यों? आपके पास कोई साक्ष्य तो था ही नहीं ना, आई विटनेस था ही नहीं सिवाय कैमरे के, कैमरे के आधार पे आपने किया है तो कैमरे के आधार पे उसको क्यों नहीं, उन तीनों को क्यों नहीं किया आपने? सबूत मिटाया, इनको पता किसके ने मिला, वो भी कैमरे वाला, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? दो स्कूटर वाले आए, उन्होंने पानी डाल दिया, खून पड़ा था उनको, वो खाए लोग, सबूत मिटाने वाले खाए, उनको भी गिरफ्तार करो ना। वो दो स्कूटर आए थे, हमने देखा उसमें, दो स्कूटर से आए और पानी लाए घर से, उसमें पानी डाल दिया, खून पड़ा रहा है उसमें, सबूत मिटा दिए, वो खाए, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तीन दिन हो गया आज डिलीट है कुमार जी इनके मकान में ना, कुमार जी के में उन्होंने तो कर दी, अरे इंस्पेक्टर ने तो कर दी, पड़ोसी के में आ रही है ना, पड़ोसी में सब कुछ आ रही है ना। और अभी अब सुनो, और दूसरा बात, अभी तक बयान नहीं लिया है, दो बच्चे आए देख के आए, वो आ भी गए थे, उनको बुला लिया हमको, हमने एक पुलिस का टुल्लिया भी नहीं आया बयान लेने, कह दिया मैं आ रहा हूँ, अब तक नहीं आया। वो दो बच्चों को बोला, दो बच्चे देख रहे थे खेलने, आ बच्चे थे, उन्होंने देखा वो देख के चले गए, उनको बुला लिया हमने, सुबह अभी तक बयान नहीं लिया उन बच्चों को, बता दे रहे हैं, परिवार को भी धमकी मिल रही है, मेरे को मालूम चली है कहीं से कि परिवार को धमकी दे रहे हैं, सादा वर्दी के अंदर पुलिस वाले वहाँ पे तैनात हैं, किसी से मिलने देने के लिए उनको परमिशन नहीं है। इसके अलावा आस पड़ोस के जो कैमरे या जिन लोगों से वो संपर्क कर सकते हैं, उनकी वाइफ है श्रीमती, वो आके चक्कर लगा के गई हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि उन पर, मैं ये मानता हूँ समझाना जो है ना, अब इस केस में क्या समझाऊँगा मैं आपको, ये मैं समझाऊँगा कि मेरे बच्चे को बचाओ, और नहीं बचाओगे तो क्या कर लोगे, तो पूरा थाना बिका हुआ है, वो तो कहेगा कि तुम्हारा नंबर भी ले लेंगे कभी ना कभी, क्या समझाओगे, ये धमकी है, ये समझना नहीं है, इसको धमकी बोलते हैं। सर वैसे तो देखो कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, ये तो कहने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि इसके लिए तो रिजल्ट ही आना चाहिए सीधा। मैं मोनिका शर्मा, मैं खुद रजनी विहार निवासी हूँ, जब से इस बात का पता चला है हम तो निशब्द हो गए, मतलब हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो तो हमारे मतलब रोज़ाना हमसे हमारा उनसे सब्जी लेने का काम था डेली, वो इतना फैमिलियर था वो बच्चा कि हमसे इतने अच्छे से बात करता था, कभी किसी से गाली गलौच नहीं करी। जब पता चला तो जब पेपर में फ़ोटो देखी तो बच्चे ने कहा अरे मम्मी ये तो वही भैया है जिनको हम रोज़ सब्जी लेते थे, इनके साथ ऐसा हुआ है। कहा हाँ बेटा उनके साथ ऐसा हुआ है, तो वो अंकल और ऐसे कर रहे, किसी ने मना नहीं किया, नहीं मना नहीं किया उन्होंने, सबके साथ इवन उनकी जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने भी उनका सहयोग दिया, साथ में खड़े थे, बैट से कंटिन्यू जो प्रहार किया है उससे वो बेसुध हो गए और उसके साथ उन्होंने सोचा कि कोई देख नहीं रहा तो उसको लेके चले गए। अब यहाँ पे इसी चीज़ के लिए हम लोग इकट्ठे हुए कि ये बताना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को इतना अधिकार या दादागिरी का समय नहीं रहा कि वो किसी भी गलत चीज़ को किसी के थ्रू दबा दे। सारी जनता उस सिंधी समाज के साथ है, हम लोग उसके साथ हैं और हम न्याय जरूर पूरा न्याय के लिए हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमको पूरा न्याय मिले। आर्थिक सहायता के लिए देखिए अभी तो उनसे मांग की जा रही है कि 1 करोड़ रुपए की राशि और जो भी नौकरी के लिए और एक डेयरी बूथ के लिए उनकी मांग करी जा रही है। अब उसके ऊपर जो इनके समाज के लोग कह रहे हैं या तो वो मांगे सुनी जाए, हम किसी से बात करने नहीं जाएंगे, जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात करने आए, और अगर ऐसा वो करने को तैयार नहीं होते तो वो धरना देने के लिए तैयार बैठे हैं कि हम धरना देंगे और आगे इस धरने को हम आगे जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारे को इस चीज़ का रिजल्ट और हमारी मांगों को पूरा ना किया जाए। क्या पूरा घटनाक्रम रहा है रात को, एक मारपीट भी हुई है, बैट से मारा गया, और आशंका जताई जा रही है कहने के उसका मर्डर हुआ है। देखिए साहब मर्डर का तो मेरे को अंदेशा है, हुआ है कि नहीं, वो अंदेशा है ये,
जब मैं इसकी फुटेज देखी मैंने अभी सुबह इनके घर पे, जब बगल के पड़ोसी में जो मुकेश जी हैं उनके बगल के घर में जाके मैंने फुटेज देखी है, उस टीवी में साफ साफ कैमरे में आ रहा है कि उसको बकायदा बैट से मारा गया। जो सीआई का लड़का है उनका नाम पता नहीं है मेरे को क्या नाम है, उनके लड़के ने बैट लेके आया अंदर से, बैट से 4 बार वार किए, जबकि वो पीछे मुँह करके खड़ा था, सामने के नहीं पीछे से आके उसके वार किया गया, वो ऑन द स्पॉट वहाँ पड़ गया वो लड़का मारने के बाद। और उसके कोई 20-25 मिनट तक उनके घर वाले देखते रहे उसको, आके जा के आके देखते रहे, फिर उसकी वाइफ आती है सीआई की, वो पानी का गिलास लेके उसको पानी वानी पिलाती है, छींटे मारती है, लेकिन वो उठता नहीं है लड़का। उसके बाद उन्होंने गाड़ी निकाली, फुटेज में जो देखी है मैंने वो फुटेज पुलिस वालों के पास भी है जो यहाँ से कवरेज करके लेके गए हैं वो, और वो फुटेज मीडिया के पास भी है, और वो फुटेज मेरे पास भी है, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती अंदर गया, मेरे को मना कर दिया गया था कि आप अंदर नहीं आओगे, पहले हम पुलिस वाले तहकीकात करेंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज कॉलोनी के नाते ये बनता था, एक वासी हूँ मैं भी, कल को मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, इसलिए मैंने उससे जिद करी, मैंने और सेवदा जी ने और दो भाई और थे हमारे, ओम जी थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं डालमिया जी को अंदर जाने दो, आप पहले ये भी देखेंगे आपके साथ साथ क्या घटनाक्रम है। तो मैं जाके उनके साथ देखा, उन्होंने वो पूरी वीडियो में अपने कैमरे में कैद करी, कैद करने के बाद मैंने भी अपने कैमरे में कैद करी, और जो उसमें घटनाक्रम हुआ वो उन पुलिस वालों के पास भी है और मेरे पास भी और मीडिया के पास भी है। उससे ये अंदेशा होता है कि इन्होंने रात में गाड़ी में ले जाके उसको कहीं पटक के आए, हॉस्पिटल में या कहीं पे भी दूर दराज नाले में कहीं पे भी डाल के आए, ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन उस फुटेज में साफ साफ है कि उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसका बेटा और वो स्वयं सीआई साहब। अब ये मेरे को पता नहीं है, पहले अपने आप को ये कॉलोनी में बोलते फिरते थे कि साहब मैं सीएम सिक्योरिटी में हूँ, मैं ये कर दूंगा, उनके लड़के ने कम से कम भी कॉलोनी में 10 वारदात कर चुका है, वो नशे का आदी है, सूखा नशा करता है, ड्रग्स लेता है वो, और ये मैं नहीं कहता, कॉलोनी के बच्चे जो आसपास रहते हैं जिनसे मारपीट की है उन्होंने, वो बच्चे तक आते कहते हैं कि साहब हमें मारता है, कभी हमें यह मार देता है, कभी पत्थर की मार देता है, कभी क्या कर देता है, तो उससे सारी कॉलोनी त्रस्त है, परेशान है। इससे पहले भी अगर आप जाँच करेंगे तो ये जो सीआई महोदय है इनका कहीं ना कहीं विद्याधर नगर में भी यही कारण रहा है इनको निकलने से वहाँ, उसके बाद हनुमान नगर कहीं पे इनका रेजिडेंस है वहाँ का भी इनका कारण यही रहा है, क्योंकि इनकी ये जो हरकतें हैं ये सारी कॉलोनी वासियों को तंग करती थी, वहाँ पे भी यही हालत था। आज इस बच्चे को इसने मारा है, अब वो मरा है कि नहीं है ये पुलिस का विषय है, वो पुलिस जाँच करके बता पाएगी कि मरा है या नहीं। उस लड़के के आतंक से पूरी कॉलोनी त्रस्त है साहब, कहीं ना कहीं शिकायत की आपने, 2-3 बार कर चुके हैं, 100 नंबर पर भी जिनके साथ हुआ है वारदात है, अभी एक दो बच्चे हैं यहाँ, आप उनसे आप मिलिए, उनसे भी पूछिए जिनके साथ वारदात हुई है, वो बता देंगे आपको। मेरे साथ ऐसी नहीं हुई, लेकिन मेरे पास कॉलोनी वासी के नाते ये खबरें आई, तब मैंने इस चीज़ को देखा कि साहब इनका बिल्कुल वास्तव में ये गलत रवैया है, गलत व्यवहार है, इस वजह से ये आप, मैं मीडिया से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि इस मुद्दे को आप ज़रूर से ज़रूर उठाएँ और इस मुद्दे को तय तक जाएँ कि आखिर ये बात क्या है, और ये चीज़ जो नशा करता है ये पैसा कहाँ से आता है, इसके पास कहाँ से पैसा आता है, इसके पिताजी इसको देते हैं या क्या, कहाँ क्या मामला है ये, और क्यों मारा गया उसको, क्या कारण रहा उसको मारने का, या तो कोई पैसा का छीना झपटी किया गया है या कोई बात हुई है नशे के लिए कुछ बात हुई है, तो इसकी मीडिया तहकीकात करे और पुलिस तहकीकात करे, मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ, हम कॉलोनी वाले ये चाहते हैं, मैं नहीं, मैं कॉलोनी वाले की तरफ से ही बात कर रहा हूँ, एक समिति के मेंबर होने की बात कर रहा हूँ कि ये तहकीकात करी जाए और देखा जाए।